एक आदमी ने अपनी बीवी से 3 मरतबा रोज़े की हालत में जिमा किया है, दोबारा कफ़ारे के साथ रोज़े नहीं रख सकता है अगर वाक़ियतन वो माजूर है। लेकिन ये कैसा माजूर है कि 3-3 दफ़ा जिमा कर सकता है, रोज़े रखने के लिए मौत आ रही है, उसको रोज़े रखने चाहिए 60। वो तो मिस्कीनों का खाना उस वक्त है जब बंदा रोज़े के काबिल ना हो। जब तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तो फिर बहाने बनाने का क्या मतलब। ये वही है, ये रोज़े शौहर रखेगा जिसने जिमा किया। बिल्कुल यही बात है, जब वो आदमी जवान है, ताकत है, रोज़े ही रखेगा। वो तो कफ़ारा मिस्कीनों का तब है जब रोज़े रखने की ताकत न हो। फ़र्ज नमाज में अगर आगे औरतें हों पीछे मर्द हों, बहरहाल ये है कि हनफी मसलक में तो नमाज नहीं होती, बाकी अइमा के नज़दीक गुंजाइश है, बस अल्लाह कबूल फरमाए। कोशिश करें कि औरतें आगे भी ना हों और बराबर भी ना हों। मेरी बड़ी तमन्ना है कि मुझे मक्के मदीने में नौकरी मिल जाए, 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ किया करो। आजकल बिदात का दौर है, बचने का तरीका यही है कि सही अकीदे वाले लोगों के साथ सोबत रखो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम जाफर के शागिर्द थे, ठीक है, इसमें क्या है। शिया की नमाज कहाँ से शुरू हुई है किसी शिया से पूछो, मेरे नज़दीक तो नमाज पढ़ती नहीं है, तो शुरू कहाँ से हुई है।